क्या आप भी लेना चाहते हो सेकेंड हैंड बाइक? क्या आप भी पैदल चल चल के थक चुके हो? क्या आप भी मेरी तरह लिफ्ट मांग मांग के बोर हो चुके हो? तो कोई बात नहीं, मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार की बाइक्स। जी हाँ दोस्तों, सच बोल रहा हूँ, 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार में आपको बाइक्स मिलेंगी, सेकेंड हैंड बाइक। तो गाइज टेंशन नहीं लेने का, आपका ब्लॉगर आदि आपके साथ है, आप लोगों को निराश नहीं होने देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट स्टोर पे, मिलते हैं आपसे, लेट्स गो। तो हाँ जी भाई लोग, अभी भी जस्ट हम लोग शोरूम के लिए निकल गए हैं, जहाँ से आप कम दामों में बाइक परचेस कर सकते हो। तो अभी वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके आपको लोकेशन भी अपडेट कर देंगे कि कहाँ पे है, उदयपुर में है ये, और वहाँ पे चल के आपको बता देंगे कि कहाँ पे लोकेशन है, पूरा लोकेशन अच्छे से बता देंगे। और आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, मैं वहाँ पे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन की मदद से भी आप वहाँ तक जा सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग डायरेक्ट स्टोर पे चलते हैं, मतलब शोरूम में चलते हैं और दिखाते हैं आपको कौन कौन सी बाइक है वहाँ पे। जी भाई लोग, अभी भी जस्ट हम लोग आ गए हैं स्टोर के पास और आप देख सकते हो कितनी बाइक यहाँ पे खड़ी है। जो वहाँ पे भैया हैं, तो भैया के पास चलते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन सी बाइक की क्या क्या कीमत है। तो आप लोग जरूर से एक बार यहाँ पे विजिट करें और लोकेशन भी भैया से चल के पूछो। तो हमारे साथ भैया जुड़ चुके हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? खेमू सिंह सैनी। तो आप बताइए कि कौन सी बाइक है ये और इसका प्राइस क्या है? ये एफजेड है, ये 18 मॉडल है, इसका प्राइस है 75,000। 75,000? हाँ। कोई मतलब थोड़ा कम और? हाँ वो तो देख लेंगे जो होगा। और ये कौन सी बाइक है? ये एफजेड डैश है, ये भी है। ये 14 मॉडल है। प्राइस? 55। 55,000 जी भाई। और ये रॉयल एनफील्ड का बुलेट? हाँ, इसकी प्राइस है, ये 18 मॉडल है, इसकी प्राइस है 1,35,000। 1,35,000 18 मॉडल है। ये भी 18 मॉडल है, ये भी 1,40,000 रुपये। ये 15 मॉडल है, इसका 1,15,000। कितना? 1,15,000 रुपये। तो आप लोग आओगे तो यहाँ पे कम भी हो जाएगा, जितना दाम भैया बता रहे हैं उतना ही नहीं है, सिर्फ आप अगर आओगे यहाँ पे तो थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर से विजिट करना। और एक ये पल्सर है ना? हाँ जी भैया, ये पल्सर है ना? हाँ भैया, पल्सर है, NS 160। हाँ, NS 160 है, इसकी प्राइस है 65,000 रुपये। 65,000 रुपये जी भैया। पूरा कैश के साथ देना पड़ेगा ना? हाँ, कैश के साथ है। तो मतलब कोई वो नहीं होता है? लोन भी करवाना चाहते हो तो लोन भी हो जाएगा। अच्छा जी भैया। तो ऐसे अगर कैश पे डायरेक्ट, तो कैश कैश हो तो कैश, लोन करवाना हो तो लोन, और कैश दोनों का सुविधा है। भाई लोग जहाँ से भी देख रहे हो, एक बार यहाँ पे अपना लोकेशन बता दीजिए। सेक्टर 6 भवानी ऑटो केयर, नायरा पेट्रोल पंप, उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर में है ये स्थित, एक बार आप बता दीजिए। भवानी ऑटो केयर शॉप का नेम सेक्टर 6, सेक्टर 6 जमाल कोटरा रोड, नायरा पेट्रोल पंप के सामने। R15 का प्राइस बताइए। इसका प्राइस क्या है भैया? 17-18 मॉडल है कुछ, इसका ध्यान कंट्रोल पता नहीं है सर, उसका तो मालूम है। इसका प्राइस पता नहीं आपको? हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप इसका बताओ। ये 22 मॉडल है, इसका 1,60,000 मांग रहे। 1,60,000? हाँ, जो होगा कम की बढ़ती दो पाँच। 1,60,000 अच्छी बाइक लग रही है। 22 मॉडल है। हाँ वाली, ये 25 में ट्रांसफर होके पड़ जाएगी। 25 में? 25,000। हाँ, कम्प्लीट करके। हाँ, ये 20 मॉडल है, ये हिलक्स 20 मॉडल है ये जी भैया। ये आपको 55 में पड़ेगी ट्रांसफर। तो भैया से तो प्राइस वाइज सब पूछ लिया है। तो आप लोग अगर आप लोगों को लेना है बाइक, तो आप यहाँ पे एक बार विजिट करें, और पीछे ही इनका शॉप है जहाँ पे आपको ये पूरा कंप्लीट बाइक करके देंगे। जो भी इसमें खराबी रहेगी वो पूरा अच्छे से कंप्लीट करके आपको बाइक मिल जाएगा हैंड टू हैंड। अगर आप लोन पर लेना चाहते हो तो लोन पर भी मिल जाएगा, एंड कैश टू कैश भी मिल जाएगा। बहुत सस्ती बाइक है, सेकेंड हैंड बाइक है। तो आप R15 और बुलेट, पल्सर सभी है,
और ये दोनों 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार में आपको मिल जाएगी। तो जो भी भाई लोग हैं तो एक बार जरूर से यहाँ पे आए परचेज करने के लिए। धन्यवाद भैया। तो हाँ जी, अभी मैं घर आ गया हूँ और बाइक तो काफ़ी खतरनाक थी और मुझे भी एक बाइक पसंद आई FZ5, वो भी काफ़ी अच्छी थी। भैया ने उसकी कीमत 70,000 बताई है, तो मतलब पूरा कंडीशन में अच्छे से करके 70,000 बताई है। वैसे लेने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो सकता है तो लूँगा ही। और आप लोगों को बाइक कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मैंने कुछ सिनेमेटिक शूट किए हैं, आप लोग वो भी चेकआउट कर लेना। एंड बहुत अच्छी सी बाइक थी, R15 तो काफ़ी लाजवाब थी गाइस। तो अभी आप सिनेमैटिक चेक करो। तो भाई लोग, आपने देख लिया ना कि इतना सस्ता बाइक है यहाँ पे। तो मुझे भी एक बाइक पसंद आई है, वैसे मैं भी एक बाइक लेना चाहता हूँ। पैदल पैदल घूम रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, तो क्यों ना मैं भी एक बाइक ले लूँ। तो ये एक FZ5 है जो कि मुझे पसंद आया है और भैया ने इसकी प्राइस 70,000 बताई है कैश टू कैश, और मैं इसे लोन पर भी ले सकता हूँ। तो अगर मम्मी पापा को बोलेंगे, अगर वो दिलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो। यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आएगी तो यही बाइक लिया जाएगा। और FZ5 पे 70,000 बताएं भैया ने, और 65 तक बोले कि हो जाएगा, पूरा फुल कंडीशन में करके देंगे, एकदम पूरी अच्छी तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से नया करके देंगे। तो देखते हैं कब तक ले सकेंगे। और भी वैरायटी है यहाँ पे, तो आप लोग लेना चाहते हो तो एक बार इस शॉप पे जरूर से पहुँचे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो हाँ जी, वहाँ की मुझे एक बात अच्छी लगी कि आप बाइक लोन पे भी ले सकते हैं, जिसके पास कैश है वो कैश टू कैश लें, और जो लोन पे लेना चाहते हैं वो लोन पर भी ले सकते हैं, और जो पेपर वर्क लगेगा वो आपको ही पे करना पड़ेगा। बाकी उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है आपको, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं देना है आपको एक्स्ट्रा। जैसे कि आपकी 55 में बात हुई है तो 55,000 में ही आपको बाइक लोन पर भी मिलेगा, बस पेपर वर्क जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और आप 2-3 महीने, 4 महीने का, 5 महीने का, जितना सभी जितने महीने का लोन लेना है, लोन पर लेना है, वो लोन पर लेके आप बाइक ले सकते हो। सबसे अच्छी बात मुझे वहाँ की ये लगी, तो मैं भी लोन पर ही लूँगा, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो मैं भी लोन पर ही लूँगा। देखते हैं कब लेते हैं, बाकी लूँगा तो एक बाइक जरूरी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा, और जो भी भाई लोग चैनल पर न्यू आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।